हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया था या देखा था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और हमने यह भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो आपका प्रैक्टिकल है उसकी बात करेंगे। तो आज यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ बैटरी, जिसको हिंदी में हम मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण माला कहते हैं, उसका यूज़ करके हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या देखेंगे कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। तो जब आप फाइल में लिखेंगे तो फाइल में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपने लास्ट वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा उसको पहले वहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सबको लास्ट वीडियो से देखकर नोट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, कि आपका क्या उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जिस परीक्षार्थी को ले रहे हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य का मापन करें। उद्देश्य क्या है आपका कि परीक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य का मापन करना। और यह हम किसकी सहायता से करेंगे, मेंटल हेल्थ बैटरी, या जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण माला के नाम से भी जानते हैं। और यह मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण माला डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर अल्पना सेन गुप्ता के द्वारा बनाया गया और इसका प्रकाशन किया गया था नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन आगरा के द्वारा। और यहाँ पर इस वीडियो में इस मेंटल हेल्थ बैटरी का यूज़ सिर्फ मनोविज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है। इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें जो आइटम्स हैं उसको देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम स्कोरिंग की बात करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसके इंटरप्रिटेशन या विवेचना को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चनार के बारे में, या कह सकते हैं कि इस मेंटल हेल्थ बैटरी के बारे में। इस मेंटल हेल्थ बैटरी का यूज़ हम सिर्फ 13 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक की उम्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी पर्सन्स हैं, अगर वो 13 से 22 के बीच में आते हैं उन्हीं के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी सेकेंड पर्सन से इसको फिल करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी पर्सन है उसकी उम्र 13 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच में हो। इस मेंटल हेल्थ बैटरी में दो सेक्शन हैं। पहले सेक्शन, सेक्शन ए के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि जो पर्सन है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मतलब उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अब सामाजिक आर्थिक स्थिति हमें क्यों जानना है, तो इसका यूज़ स्कोरिंग करते टाइम होगा। स्कोर जब हम स्कोरिंग करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ करना है। और जो सेकंड सेक्शन है, जो बी सेक्शन है, उसमें फिर 6 एरियाज हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 6 एरियाज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उसके द्वारा ही हम मेंटल हेल्थ को भी जानेंगे। इस परीक्षण माला में टोटल 130 आइटम्स हैं, 130 एकांश हैं, और उन 130 एकांशों के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित 6 विमाओं का, या कह सकते हैं कि 6 क्षेत्रों का मापन होगा। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम 6 एरियाज को मेज़र करेंगे और ये 6 एरियाज इस प्रकार हैं। पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में सांवेगिक स्थिरता के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड इस परीक्षण माला में 15 एकांश हैं और इसके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होगा कि जो परीक्षार्थी है, जो इस परीक्षण माला को फिल कर रहा है, वह सांवेगिक रूप से कितना स्थिर है। क्या वह कोई भी इमोशनल इंसिडेंट होने पे बहुत जल्दी घबरा जाता है या फिर पूरे हिम्मत के साथ उस सिचुएशन का सामना करता है। हमारा दूसरा एरिया है ओवरऑल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, संपूर्ण समायोजन से संबंधित है, जिसके द्वारा हम परीक्षार्थी के इन्वायरमेंट में कुछ जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, जैसे उसकी फैमिली हो गई, उसका हेल्थ हो गया, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके नेबर्स हो गए, उसका स्कूल हो गया, इन सभी से रिलेटेड
जो उसका एडजस्टमेंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे इसके द्वारा कि उसका इन सभी के साथ कैसा एडजस्टमेंट है। थर्ड जो एरिया है वह ऑटोनॉमी या स्वायत्तता से संबंधित है। इसके द्वारा यह देखा जाता है, मतलब परीक्षार्थी के बारे में यह पता चलेगा कि जो परीक्षार्थी है वह कितना आत्मनिर्भर है और वह कितना स्वतंत्र है, मतलब अपने आप को कितना स्वतंत्र महसूस करता है या अपने आप को कितना आत्मनिर्भर महसूस करता है, मतलब दूसरों पे वो डिपेंड नहीं है। और इसको जानने के लिए यहाँ पर 15 एकांश दिए गए हैं, 15 आइटम्स हैं ऑटोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट एरिया संबंधित है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड भी 15 आइटम्स हैं, 15 एकांश हैं, जिसके द्वारा हम परीक्षार्थी के सुरक्षा और असुरक्षा की भावना को जानते हैं। नेक्स्ट एरिया है सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आत्मसंप्रत्यय से संबंधित है, और इससे रिलेटेड 15 एकांश हैं, जिसके द्वारा हम परीक्षार्थी के आत्मसंप्रत्यय यानी उसका अपने प्रति उसकी जो मनोवृत्ति है, उसका जो ज्ञान है वह क्या है, और वह अपना मूल्यांकन किस तरीके से करता है, अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं उनका मूल्यांकन किस तरीके से करता है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और लास्ट जो एरिया है वह है इंटेलिजेंस से संबंधित, बुद्धि से संबंधित है, और बुद्धि से संबंधित 30 एकांश दिए गए हैं, 30 आइटम्स हैं, जिसके द्वारा हम परीक्षार्थी के बुद्धि के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 6 एरियाज़ हैं जिनके द्वारा हम किसी पर्सन के मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और यह जानेंगे कि उसका मेंटल हेल्थ किस लेवल का है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चनायर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से एकांश हैं जिनका हमें रिस्पॉन्स करना है। तो आपने सभी 6 एरियाज़ को देख लिए जो कि सेक्शन बी से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर देखें आप सेक्शन ए में जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 एकांश वो फ्रंट पेज पे ही दे दिए गए हैं और उनका स्कोर भी यहीं पे लिख देना है, सेक्शन ए का स्कोर और सेक्शन ए का जो स्टेटस आया, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या निकल के आई, वो भी यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद तब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट पर, सेक्शन बी पर, जहाँ पर हमने देखा कि टोटल 130 एकांश हैं और उन 130 एकांश के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के 6 एरियाज का मापन होगा और उनका जो स्कोर आएगा उनको हम यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के नीचे लिखते चले जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसको फिल कर लेंगे, उसके बाद स्कोरिंग करते टाइम हम देखेंगे कि कैसे स्कोरिंग हो रहा है और क्या चीज़ें स्कोर में निकल कर आ रही हैं जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है वो है माता या पिता या दोनों की कुल आय कितनी है। तो आप देखें अगर आप खुद इस क्वेश्चनार को फिल कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता की आय को यहाँ पर लिखेंगे, और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से इसको फिल करवा रहे हैं तो आप उसे यह निर्देश देंगे कि जो भी उसके फादर और मदर की टोटल इनकम है उसको यहाँ पर वो देखें और उसके अकॉर्डिंग वो टिक कर दें। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन ए 50,000 प्रतिमाह से अधिक, अगर माता पिता की आय दोनों को मिला के 50,000 से अधिक है तो आप कहाँ पर टिक करेंगे, 50,000 से 25,000 के बीच में है तो आप खां पर टिक करेंगे, 10,000 से 25,000 के बीच में है तो आप गा पर टिक करेंगे, फिर अगर 5,000 से 10,000 के बीच में है तो आप घा पर टिक करेंगे, और लास्ट में अगर 5,000 से नीचे इनकम है मंथली तो आप अड़ा पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आइटम है वो है पिता की शिक्षा। अब जो पिताजी हैं वो कितना पढ़े हैं, तो अगर वह सिर्फ मैट्रिक या उससे भी कम है, मैट्रिक का मतलब हुआ कि हाई स्कूल पास, तो अगर वो हाई स्कूल पास है या हाई स्कूल से भी कम है उनकी शिक्षा तो आप कहाँ पर टिक करेंगे, अगर वो इंटर पास है तो कहाँ पर टिक करेंगे, अगर स्नातक है तो आप गा पर टिक करेंगे, और अगर उन्होंने स्नातकोत्तर किया है मतलब पीजी किया है तो आप घा पर टिक करेंगे। इसी प्रकार माता की शिक्षा को भी आप यहाँ पर टिक कर देंगे। देन लास्ट में परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है,
अगर परिवार में सदस्य 15 से ऊपर है तो आप कहाँ पर टिक करेंगे, परिवार में सदस्य 10 से 15 के बीच में है तो आप कहाँ पर टिक करेंगे, जो परिवार में सदस्यों की संख्या है वह 5 से 10 के बीच में है तो आप गा पर टिक करेंगे, और अगर यदि 5 से कम है तो आप घा पर टिक करेंगे। फिर इसके बाद आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि फिर हम चलेंगे सेक्शन बी पर। जब सेक्शन बी को भी हम कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद फिर हम स्कोरिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। आप सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे, ऊपर निर्देश दिया गया है, और उस निर्देश को पढ़ने के बाद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप यहाँ पर जो एकांश दिए गए हैं उनका रिस्पांस करेंगे हाँ या ना में। सभी एकांश को मैं पढ़कर समझाऊं या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 130 आइटम्स हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ हर पांचवें एकांश को आपसे डिस्कस करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी एकांश के भी बाकी जो भी आइटम्स हैं उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं एक निर्देश आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक कथन के सामने दो विकल्प हाँ या नहीं में से किसी एक के सामने वाले खाने में जिसे आप अपने लिए सही समझते हैं उस पर सही का चिन्ह लगा दें। किसी भी कथन को ना छोड़ें, आपके उत्तर गोपनीय रखे जाएंगे, मतलब जो भी यहाँ पर आप रिस्पॉन्स करेंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसके बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो टोटल टाइम दिया गया है वो है 25 मिनट्स का, तो विद इन 25 मिनट्स आपको इसे फिल करना है। अब आते हैं हम आइटम्स पे। तो यहाँ पर पहला आइटम है, पहला एकांश है, किसी व्यक्ति द्वारा आलोचना किए जाने पर आप क्या क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, सहमत है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं सहमत है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। आपको सभी क्वेश्चंस का रिस्पांस करना है और मैं सिर्फ हर पांचवें क्वेश्चन को ही समझाऊंगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, सांप, छिपकली या मकड़ी या अन्य समान जानवर देखने पर क्या आप काफी डर जाते हैं। मतलब सांप हुआ, छिपकली हुआ, मकड़ी हुआ, या इससे मिलते जुलते कुछ और भी जानवर हैं जैसे मेंढक हो गया या कॉकरोच हो गया, इनको देखकर भी आप डर जाते हैं। तो अगर आप डर जाते हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं डरते हैं तो नहीं पर टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका जो अनुभव है उसके आधार पर आप रिस्पॉन्स करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, खेलने में हार जाने पर क्या आप अपने दोस्त को दोषी समझकर उसे भला बुरा कहते हैं। मतलब आप गेम खेल रहे हैं और आप हार गए तो आप क्या अपना जो गुस्सा है वो अपने दोस्त पर निकाल देते हैं। अगर हाँ तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता के लिए डांटे जाने पर क्या आप काफ़ी विचलित हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपका जो टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है और आप बात कर रहे हैं पीछे बैठकर, और टीचर आपको डांट देता है तो क्या आप एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उस बात से। अगर परेशान हो जाते हैं तो आप हाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं परेशान होते हैं, आपको लगता है कि चलो ठीक है कोई नहीं मैंने गलती कर रहा था डांट दिए, तो आप नहीं पर टिक करेंगे। तो पार्ट वन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इसका जो भी स्कोर आएगा वो आप यहाँ नीचे लिख देंगे कुल प्राप्तांक के पास में। अब हो सकता है कि बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चन आयर ना हो, ये मेंटल हेल्थ बैटरी ना हो, क्योंकि जब मैंने भी क्लास लिया था तो बहुत से बच्चे नहीं आए थे उस टाइम क्लास में। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कंप्लीट क्वेश्चन आयर दिखा दूँगा एक एक पेज करके, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर वहाँ से देखकर आप अपना एक रफ कॉपी ले लेंगे और रफ कॉपी में हाँ नहीं ये सब रिस्पॉन्स लिख लेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर करके, और वहाँ पर आप टिक करते चले जाएंगे। और फिर जब मैं स्कोरिंग करवाऊँगा तो आप स्कोरिंग कर लीजिएगा, तो आपका इस तरीके से आसानी से प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब हम आ गए हैं पार्ट टू पर। पार्ट टू में भी पार्ट वन की तरह सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी एकांश दिए हैं, आइटम्स दिए हैं, और उन आइटम्स या उन क्वेश्चंस के सामने दो विकल्प दिए गए हैं हाँ और नहीं। आपको उनमें से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर
हाँ या नहीं में से एक विकल्प का चुनाव करना है। तो इसलिए मैं पार्ट टू के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने दिखा दूंगा, आप उनको देखेंगे और उनके अनुसार अपने रिस्पॉन्स देंगे। जैसा कि पार्ट टू में 40 आइटम्स हैं, 40 एकांश हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक सबके सब पार्ट टू में आएंगे। तो आप इसको देखें और यहाँ से क्वेश्चंस देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स दें। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं पार्ट थ्री पर, जो कि पार्ट वन और पार्ट टू से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद हम एकांशों को देखेंगे, जो आइटम्स हैं उनको देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा कि आपको सभी एकांश को एक साथ दिखा दूँगा, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से उसको फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दी गई है नीचे, जिससे होकर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में गुजरता है, और आपको इन परिस्थितियों को, जो भी ये परिस्थितियाँ, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते हैं। यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, उन दो विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आइए अब हम देखते हैं आइटम्स को। क्वेश्चन नंबर 56, आप अपने दोस्त के साथ शाम को घूमने जा रहे हैं, उसी समय रास्ते में आपको एक मुद्रा पर्स गिरा मिला, मतलब एक पर्स आपको मिला, एक वॉलेट मिला जिसमें कुछ रुपए भी हैं। अब आपका फ्रेंड कहता है कि चलो इससे पहले खाना खाते हैं अच्छा सा और उसके बाद मूवी चलते हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको आपको यहाँ पर दिए गए दो विकल्पों में से चुनना है। क्या आप अपने दोस्त की बात मान लेंगे? अगर हाँ, अगर आप उसकी बात मान लेते हैं तो आप काप के सामने टिक करेंगे। आप अपने दोस्त के विचारों से असहमत हैं, आप उससे एग्री नहीं करते हैं, तो आप खा पर टिक करेंगे। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस में भी रिस्पॉन्स करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। आपको सभी रिस्पॉन्स करने हैं सभी क्वेश्चंस के, मैं केवल 5 का गैप करके करूँगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्कूल से अगर आपकी बहन या भाई किसी का पेंसिल या रबर चुरा लाता है तो आप उसे बहुत डांटते हैं तथा उसे समझाते हैं कि चोरी करना बुरी आदत है। किसी की चीज़ चुराने से लोग उसे बुरा आदमी कहेंगे, लेकिन एक दिन आपका दोस्त कहीं से 500 रुपये चुरा लाता है और आपके सामने रखते हुए कहता है कि चलो हम लोग इस पैसे से मौज उड़ाएं। अब इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, दोस्त को वैसा न करने के लिए समझाएंगे या दोस्त का साथ देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, उसमें आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अगर आपके दोस्त के पिता बहुत बीमार हो जाए और उनके पास इलाज कराने को पैसे भी ना हो तो आप क्या करेंगे? दोस्त के पिता के लिए पैसों की जुगाड़ करेंगे या दोस्त को सांत्वना देते रहेंगे, मतलब उसको केवल सिंपैथी दिखाएंगे कि कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप ऑप्शन खा पर टिक करेंगे, और अगर आप उसके पिता के लिए पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं, कहीं से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑप्शन का पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नदी या सरोवर में नहाते समय अगर आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा डूब रहा है तो आप वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन ए, जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ देंगे, या ऑप्शन बी, स्वयं उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है इसमें आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसके सामने टिक करेंगे। तो आप यहाँ से अब पार्ट थ्री के सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स नोट कर लेंगे।
अब हम आ गए हैं पार्ट फोर पर। पार्ट फोर और पार्ट फाइव दोनों ही पार्ट वन और पार्ट टू की तरह है। यहाँ पर भी आपके सामने कुछ कथन रहेंगे, कुछ एकांश रहेंगे, उनके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, हाँ या नहीं। उनमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसलिए इसके भी मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, आप रिस्पॉन्स इसका खुद से करेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट पर, जो कि है पार्ट सिक्स। और पार्ट सिक्स रिलेटेड है आपके इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धि से संबंधित है। इसके द्वारा परीक्षार्थी के बुद्धि के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं अब पांच पांच क्वेश्चंस को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने पांच पांच क्वेश्चंस को बताए तो क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, पक्षपात आ जाएगा उसमें। इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को बताऊंगा हर पार्ट से। जैसे यहाँ पर आप पहले निर्देश देख लेंगे कि निर्देश में यह बताया गया है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। टोटल टाइम आपके पास 10 मिनट का है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 101 है, आरोप का अर्थ है। अब आरोप का क्या अर्थ होता है आप उसको देखेंगे, का खा गा घा में जो भी आपको लगे कि आरोप का सही अर्थ है। जैसे इसको मैं बता दे रहा हूँ कि आरोप का अर्थ क्या होता है, दोष दे रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर का के सामने आप टिक कर देंगे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे, उनको भी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो अब हम बात करते हैं स्कोरिंग की, कि इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे। हमने सेक्शन ए में जो चार क्वेश्चंस थे उनको रिस्पॉन्स कर दिया। सेक्शन बी में सिक्स पार्ट और सिक्स पार्ट्स के अंदर टोटल 130 क्वेश्चंस थे, उनको भी हमने रिस्पॉन्स कर लिया है। उसके बाद अब हम स्कोरिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए का स्कोरिंग करेंगे। सेक्शन ए में जो चार क्वेश्चंस हैं, चार आइटम्स हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसमें इनकम पूछा गया है, तो अगर आपने का पर सही टिक किया है तो आप उसके सामने 5 नंबर देंगे। अगर आपने खा पर सही टिक किया है तो 4 नंबर, उसके बाद गा पर किया है तो 3, आपका रिस्पांस अगर घा पर रहा है तो 2, और अगर अड़ा पर है तो आप 1 नंबर देंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे 5, 4, 3, 2, 1 के रूप में आप इसको स्कोर करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपने ए पर सही टिक किया है तो आप देंगे 1 नंबर, अगर आपने बी पर सही टिक किया है मतलब खा पर सही टिक किया है तो आप 2 नंबर देंगे, गा पर सही टिक है तो आप 3 नंबर, और घा पर सही टिक है तो 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों में सेम स्कोरिंग पैटर्न है, का 1 नंबर, खा 2 नंबर, घा गा 3 नंबर और घा 4 नंबर। इस तरीके से आप सेक्शन ए की स्कोरिंग करके यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए स्कोर दिख रहा है, सेक्शन ए का स्कोर, और उसके बाद इस स्कोर से जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निकल के आ रहा है, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति निकल के आ रही है, उसको भी यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो अगर आपका स्कोर 15 से 17 के बीच में आ रहा है तो यानी जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अपर लेवल के हैं। अगर 9 से 14 के बीच में आ रहा है तो यानी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वह मध्यम स्तर की है। और अगर आपका स्कोर 8 से कम है तो इसका अर्थ है कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वह निम्न स्तर की है। तो इस तरीके से जो भी आपका स्कोर है वो आप लिखेंगे, और उसके सामने उसका जो स्टेटस निकल के आया उसको भी लिख लेंगे। तो
अब हम देखेंगे सेक्शन बी को कि सेक्शन बी की स्कोरिंग हम कैसे करेंगे। सेक्शन बी में टोटल 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट की जो भी स्कोरिंग है उसका जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं पार्ट वन की। पार्ट वन में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें कि दिया है आइटम नंबर्स। अब आइटम नंबर्स जैसे 6, 11, 13, अगर 6, 11 और 13 में आपने यस टिक किया है, हाँ पर टिक किया है, तो आप वहाँ पर +1 दे देंगे। अगर नहीं पर टिक किया है तो कुछ भी नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। या अगर देना चाहें, आपका बहुत मन कर रहा है कि नहीं मैं कुछ तो स्कोर दूंगा ही, तो आप वहाँ पर 0 दे दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 7, 8, 9, 10 और फिर 12, 14, 15, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, फिर 7, फिर 8, 9, 10, फिर 11 गैप है, फिर 12, 14 और 15। इन पर अगर आपने नहीं पर टिक किया है, इतने क्वेश्चंस पर आपने नहीं पर टिक किया है, तो आप +1 देंगे। अदरवाइज आप फिर 0 देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको पार्ट टू में भी करना है। पार्ट टू में भी देखिए यहाँ पर यस वाले रिस्पांस हैं कि कितने आइटम्स पर अगर आपने यस पर रिस्पांस किया है, एस पर टिक किया है, तो आप उनको +1 देंगे, और कितने पर अगर आपने नहीं पर टिक किया है तो आप +1 देंगे। मतलब जो भी यहाँ पर है रिस्पांस और वो रिस्पांस आपके रिस्पांस से मैच कर रहे हैं, तभी आप वहाँ पर स्कोर देंगे +1, अदरवाइज आप 0 देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आयर है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर मैंने नहीं पर टिक किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर मैंने नहीं पर टिक किया है, और आपका स्कोरिंग में क्या है कि अगर नहीं पर टिक कर रहे हैं तो हमें देना है +1। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो स्कोर वाला बॉक्स है उसमें +1 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पर मैंने यस पर टिक कर दिया है मान लीजिए, तो एस पर टिक किया है, तो जबकि वहाँ पर क्या है स्कोरिंग में क्या है कि अगर मैंने नो पर टिक किया है तभी मैं उसको +1 दूंगा, नहीं तो 0 देना है, तो वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। इसी तरीके से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके साथ साथ पार्ट 4 और पार्ट 5, 4 पार्ट 1, 2, 4, 5, इन चारों की स्कोरिंग सेम पैटर्न पर करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था चारों एक तरीके से हैं। फिर जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में यहाँ पर देखेंगे आइटम नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66। अगर इन सभी पर आपने का पर सही टिक किया है, मतलब इतने क्वेश्चंस के सामने अगर आपने का पर सही टिक किया है तो आप +1 देंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चंस के सामने खा पर टिक कर दिया है तो आप फिर 0 देंगे। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर 56, 57, 59, 64, 67, 68, 69 और 70, इतने पर अगर आपने नहीं पर टिक किया है तब आप +1 देंगे। अगर इन क्वेश्चंस पर आपने हाँ पर टिक कर दिया है, एस पर टिक कर दिया है, तो आप फिर 0 देंगे, ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 5 का आपको पता ही चल गया है कैसे करना है। अब आते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 में यहाँ पर इसको भी देख लें, जैसे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 101, मतलब 101, 105, 106, 109, 113, 117, 125, 127, अगर इतने क्वेश्चंस के सामने अगर आपने का पर टिक किया है तो आप 1 नंबर देंगे, अदरवाइज किसी और पर टिक किया होगा इन क्वेश्चंस में जो यहाँ पर दिए गए हैं तो आप 0 देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 107, 108, 110, उसके बाद 115, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128 और 129, इन सभी पर अगर आपने खा पर टिक किया है तब आप 1 नंबर देंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस में आपने किसी दूसरे नंबर पर टिक कर दिया है, किसी दूसरे ऑप्शन पर टिक कर दिया है, तो आप फिर 0 देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 103, 104, 114 और 121 पर अगर आपने गा पर टिक किया है तब आप 1 नंबर देंगे, अदरवाइज 0 पर।
फिर क्वेश्चन नंबर 102, 111, 112, 116 और 130, अगर इन पांच क्वेश्चंस पर आपने घा पर टिक किया है तो आप एक नंबर देंगे, अगर इन पांचों क्वेश्चंस में आपने किसी दूसरे विकल्प को चुना है तो आप फिर जीरो देंगे। इस प्रकार आपकी यहाँ पर स्कोरिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो जो भी आपका स्कोर आ रहा है, जैसे पार्ट वन का जितना भी स्कोर आया आप उसको टोटल करके पार्ट वन के सामने लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर। फिर ऐसे ही पार्ट टू का जो स्कोर आया, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट सिक्स, मतलब पार्ट फाइव भी आएगा, पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स, इन सभी का स्कोर आप लिख देंगे। और फिर ग्रैंड टोटल ले लेंगे, मतलब टोटल स्कोर कितना आया सबको मिला के। तो हमने सभी छः पार्ट को लेकर टोटल स्कोर निकाल लिया और टोटल स्कोर जितना भी हमारा आया उसके आधार पर हम परसेंटाइल रैंक निकालेंगे। अब परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सेक्शन ए में जो आपका स्टेटस आया था, जो भी स्टेटस आया था आपके परीक्षार्थी का, कि वो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का है या निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का है या मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति का है, जिस भी स्तर का है वो, उस स्तर वाले कॉलम में आप यहाँ पर देखेंगे तीन कॉलम है, उस वाले कॉलम में आप अपना स्कोर चेक करेंगे, मतलब अपने परीक्षार्थी का जिसके ऊपर आपने इस टेस्ट को अप्लाई किया है उसका यहाँ पर स्कोर चेक करेंगे। जैसे अगर आपके परीक्षार्थी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई लेवल का आया था तो आप पहले वाले कॉलम में SES H मतलब हाई, इसमें देखेंगे, चेक करेंगे। अगर मिडिल लेवल का आया है, मध्यम स्तर का आया है, तो आप बीच वाले में। और अगर आपके जो परीक्षार्थी हैं उनका सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर का आया है तो आप लास्ट वाले में चेक करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि जो स्कोर है वो आया है 125 और जो पर्सन है उसका सामाजिक आर्थिक स्तर है लो स्तर का, मतलब लो लेवल का है। तो अब लो में आप देखें कि 125, तो आप सोचेंगे कि 125 तो इस पर दिख ही नहीं रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे जितना भी आपका स्कोर है वो यहाँ पर दिए हुए स्कोर में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वो किस स्कोर के ज़्यादा पास में है। जैसे अगर हम 125 को देखें तो 125 लास्ट वाले में 127 है और उसके नीचे 116 है, तो 125 किसके ज़्यादा पास में है, 127 के। तो आप क्या करेंगे, 127 का जो परसेंटाइल रैंक है उसको अपने परीक्षार्थी का परसेंटाइल रैंक मानकर सबसे आगे जो आपका क्वेश्चनायर है उसके फ्रंट पेज पर लिख देंगे। जैसे यहाँ 127 किसके सामने है, P95 यानी परसेंटाइल जो 95 है उसके अंदर 127 आ रहा है, तो आप उसको लिख देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए किसी का स्कोर आता है 95, सिर्फ 95 है किसी का स्कोर और वो बिलोंग करता है हाई लेवल में, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च स्तर का है, तो आप देखें 95। अब 95 कहाँ पर है, तो 95 यहाँ पर है ही नहीं पहले वाले बॉक्स में, तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 91 और फिर 101 मतलब 101 और 91। अब जो 95 का स्कोर है, 95 का स्कोर है, वो किसके ज़्यादा पास में है, तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा पास में है 91 के, तो हम परसेंटाइल क्या ले लेंगे, P60। अब 91 के पास में क्यों है, क्योंकि 91 में हम केवल 4 ऐड करते हैं तो 95 आ जाता है, लेकिन 95 से 101 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम 91 वाले परसेंटाइल रैंक को लेंगे जो कि है P60। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षार्थी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखना है और उसके आधार पर यहाँ से परसेंटाइल रैंक निकाल लेना है और उसको क्वेश्चनायर के फ्रंट पेज पर फिल कर देना है। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आपका परसेंटाइल रैंक आया उसके आधार पर अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ कैसा है। जैसे
अगर आपका परसेंटाइल रैंक P90 से ऊपर आ रहा है, मतलब 90 से ऊपर आ रहा है आपका परसेंटाइल रैंक, तो इसका अर्थ यह है कि जो आपका मेंटल हेल्थ है वो एक्सीलेंट लेवल का है, मतलब एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ है, यानी अति उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य है आपका या आपके परीक्षार्थी का, जिस पर भी आपने इसको अप्लाई किया है। अगर परसेंटाइल रैंक 70 से 89 के बीच में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुड मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छे स्तर का है, मतलब अच्छे स्तर का मानसिक स्वास्थ्य रखता है वो व्यक्ति या परीक्षार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छे स्तर का है। अगर परसेंटाइल रैंक P50 से 69 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य एवरेज लेवल का है, औसत दर्जे का मानसिक स्वास्थ्य है उसके पास, मतलब परीक्षार्थी का मानसिक स्वास्थ्य औसत दर्जे का है, ना ही हम उसे बहुत अच्छा कह सकते हैं और ना ही उसे बहुत बुरा कह सकते हैं। अगर परसेंटाइल रैंक 30 से 49 के बीच में आ रहा है तब ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि इसका अर्थ यह हो गया कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर लेवल का है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का है। और अगर परसेंटाइल रैंक 29 से भी नीचे आ रहा है, 29 से भी नीचे है, तब ये काफ़ी चिंता की बात है और इसका अर्थ यह हो गया कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वह बहुत ही निम्न स्तर का है और यह चिंता का विषय है। और फिर आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको सही करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसकी विवेचना की, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि इसकी विवेचना या इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे आप। तो मान लीजिए आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है आपके परीक्षार्थी का, या आपने अगर खुद पे अप्लाई किया है तो आपका, वो एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ है, उच्च मानसिक स्वास्थ्य है आपका, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत प्राप्तांकों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जो परीक्षार्थी है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो भी है, आपका जो भी सामाजिक आर्थिक स्थिति निकल के आया है उसको लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च है तभी आपका मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य उच्च होगा, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति का भी मानसिक स्वास्थ्य उच्च हो सकता है। तो आपका जो भी सामाजिक आर्थिक स्तर निकल के आया है पहले उसको लिखेंगे कि प्रस्तुत कि परीक्षार्थी का सामाजिक आर्थिक स्तर ये है, और इसके आधार पर जब हम परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की गणना करते हैं तो मैनुअल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम यह देखते हैं कि जो परीक्षार्थी है उसका मानसिक स्वास्थ्य उच्च स्तर का है, और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परीक्षार्थी सांवेगिक रूप से स्थिर है, मतलब उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, वह किसी भी सिचुएशन में जल्दी परेशान नहीं होता है, उसका जो समायोजन का स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल एनवायरनमेंट के साथ वो अच्छे से समायोजन स्थापित कर लेता है। इसके साथ साथ वो किसी भी कार्य को करने के लिए सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर होता है, और वह बहुत ही कम दूसरों की हेल्प लेता है। इसके अलावा उसके अंदर एक आत्म सुरक्षा की भावना होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, और वह खुलकर अपने विचारों को रखता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है अपने कार्यों में। इसके साथ साथ उसका जो अपने प्रति सोच है वो भी काफ़ी अच्छा है, वह अपने अचीवमेंट को, अपने जो भी उसके फेलियर्स हैं सबको मूल्यांकन करता है और अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करता है और अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय करता है। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे। अब बात करते हैं एक बार एवरेज लेवल वाले की, कि अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य औसत स्तर का है तो उसकी विवेचना कैसे लिखेंगे। उसकी विवेचना हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत, पहले तो आप लिख देंगे जो भी उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आया, सामाजिक आर्थिक स्तर आया, उसको लिखेंगे कि प्रस्तुत परीक्षण माला के आधार पर परीक्षार्थी का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर का है, मध्यम स्तर का है, उच्च स्तर का है, जो भी है उसको लिख देंगे। और फिर लिखेंगे कि प्राप्तांकों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि
जो परीक्षार्थी है उसका मानसिक स्तर मध्यम स्तर का है या उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो औसत स्तर का है, और इसलिए उसका जो अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर जो नियंत्रण है वह एक सामान्य स्तर का है। वो कई बार अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले जाता है और कई बार नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ उसका एडजस्टमेंट भी सामान्य स्तर का माना जाएगा, उसकी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी भी एक सामान्य स्तर की होगी, और उसका जो अपने प्रति एक रवैया होगा, अपने प्रति जो एटीट्यूड होगा वो भी सब सामान्य स्तर, मतलब इसमें आपको सब कुछ एवरेज लेवल ही देना है। फिर जब आप बात करेंगे लो या पुअर मेंटल हेल्थ की, वेरी पुअर मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें आप सबसे पहले अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जो उसका मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही निम्न स्तर का है, और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना के बराबर है, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ उसका जो समायोजन है अपने आसपास के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत ही निम्न स्तर का है, वह उनसे समायोजित नहीं हो पाता है, उनके साथ घुल मिल नहीं पाता है, और उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है, वह अपने आप को असुरक्षित फील करता है। इसके साथ साथ वह किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, ज़्यादातर टाइम वो दूसरे पर ही डिपेंड रहता है, और वह अपने बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल नहीं करता है। इसके साथ उसका अपने प्रति जो एक मनोवृत्ति है वो निगेटिव है, वो अपने अचीवमेंट्स को या अपने जो भी फेलियर्स हैं उनका मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर पाता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यह प्रैक्टिकल यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को सब कुछ आसानी से सही से समझ में आ जाए, और आशा करते हैं कि आपको सही से समझ में आया होगा। तो इस प्रैक्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।